क्या हुआ जब अयोध्या धाम पहुंची सैकड़ों वानरों की सेना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बता दें, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसा भी कह सकते हैं। बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, जिसमें कई गिलहरियां, भालू व गिद्ध पक्षी भी शामिल थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम हमें एक मजबूत राम सेतु के तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और पुनः अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। लेकिन दोस्तों, वही दीपावली का पर्व एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि 500 वर्षों का कड़ा संघर्ष अब सफल हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम हिंदुओं के लिए यह बहुत दुखद की बात है कि जीते जी हमारे प्रभु राम लल्ला को तंबू में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं, न सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वह सामने जरूर आती है। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है। ऐसा कह रहे हैं, यह गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के आसपास वानरों को भी बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। आज से पहले इतने वानर इस क्षेत्र में कभी नहीं दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, सैकड़ों के झुंड में वानर राम मंदिर पहुंच रहे हैं। हनुमान जी को भी वानर का ही रूप कहा जाता है। साथ ही साथ लंका पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का साथ भी वानर सेना ने ही दिया था। यानी कि राम जी का वानरों के साथ सीधा संबंध है। जब उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई, तब उन्हें एक नई दिशा मिली, एक नई सेना मिली, लंका पर विजय पाने का एक हौसला मिला। अगर यह वानर नहीं होते तो लंका पर विजय पाना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब जब एक बार पुनः श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं, तो उनके साथ कई वानर भी अयोध्या नगरी में आते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाल मुंह के वानरों के कई झुंड अयोध्या राम मंदिर के आसपास देखे गए हैं। साथ ही साथ कुछ भालू भी, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जा रहा है, वह अचानक से इस क्षेत्र में पाए गए हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में काफी चमत्कार बढ़ रहे हैं। ऐसे पात्र जिनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है, जब वह एक एक करके सामने आ रहे हैं, तो सभी लोग बड़े हैरान हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक ओर थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थी। ये वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये युद्ध जीता। लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहां चली गई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीराम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्रीराम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ?
इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि आखिर राम रावण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। आज जो अयोध्या में वानर सेना दिखाई दे रही है, क्या इनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है? लेकिन पहले जान लेते हैं राम मंदिर का महत्वपूर्ण इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहां आखेट करने आए तो उन्हें उजादाह भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहां राजाओं मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्रीराम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्रीराम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे, लेकिन 1939 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। आइए अब जानते हैं आखिर रामायण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। रामायण के उत्तर कांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद की कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे, तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल पास में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। जब ये पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो श्रीराम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया, लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किमी तक विस्तारित है। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1,00,000 के आसपास थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राजसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। लेकिन अब जब पुनः राम लल्ला के राज्याभिषेक के बारी आ चुकी है, तो पुनः यह विशाल वानरसी अयोध्या आ गई है। यह इतिहास पुनः दोहरा रहा, जिसका सीधा मतलब यही निकलता है कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में यह वानर सेना भी मौजूद रहेगी, जिसका संबंध आज से नहीं बल्कि रामायण से है। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण होगा, वैसे यह वानर सेना भी अपने अपने राज्य यानी अपने इलाकों में चली जाएगी। ये प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा चमत्कार है। श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना रहा है, और अब जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वह बरसों के संघर्ष का नतीजा है, कई शहीदों के बलिदान का प्रमाण है और हजारों कार सेवकों के हौसले का प्रतीक है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।